नमस्कार, मैं हूं पारिजात आपके साथ। आप देख रहे हैं पावर कॉरिडोर्स और हमारे इस कार्यक्रम का नाम है पावर क्रिकेट। कल एक बड़ा ख़ास दिन था, हिंदुस्तान का इंग्लैंड की टीम से मुकाबला हुआ वर्ल्ड कप में, और फिर उसके बाद जो हुआ आखिर में जो रिज़ल्ट आया और जिस तरह हम लोगों ने उसे देखा, बात कुछ हजम नहीं हुई। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रशांत भारद्वाज जी बैठे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। उनका शायद ये मानना है कि जो हुआ वो बहुत स्वाभाविक था। मुझे लगता है कि कल भारतीय खिलाड़ियों ने, जैसा कि लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, अभिनय किया था, मैदान में अभिनय हुआ। कल जो रिज़ल्ट हुआ वो तैयार किया गया था, पहले ही पर्दे के पीछे से शायद हाथ मिला लिए गए थे, ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कहिए आप क्या कहते हैं इस पर। देखिए, मुझे लगता है कल मैच मैंने पूरा देखा जी, और काफ़ी समय के बाद पूरा क्रिकेट मैच देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। तो मुझे सुनने में आ रही है ऐसी बातें, लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, गड़बड़ हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्रिकेट में होती रहती हैं, फील्ड का, क्रिकेट का पार्ट है। कभी कुछ अंपायरिंग डिसीजन अच्छे होते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ गड़बड़ हुई है। बट हाँ, ये है कि जहाँ तक बाहर से अगर लोग देखते हैं तो लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, डिसीजंस कुछ इंडिया के फेवर में गए ही नहीं बिल्कुल भी, सारी चीज़ें इंग्लैंड के फेवर में गई, तो लोगों को शक करने का थोड़ा मौका मिल गया जी। तो ये लगता है अलीम डार बड़े पुराने एम्पायर हैं और थोड़े विवादास्पद भी। मैं भी बरसों से क्रिकेट देख रहा हूँ, अलीम डार को भी देख रहा हूँ। उन्होंने कल कुछ विवादास्पद निर्णय दिए। हम शुरुआत करते हैं प्रशांत जी तीन हिस्सों में। एक होती है शुरुआत जिसको कहते हैं टॉस, दूसरा फर्स्ट इनिंग्स, तीसरा हिस्सा सेकंड इनिंग जो टीम चेज करती है। पहला हिस्सा बहुत स्वाभाविक था, टॉस में क्या गड़बड़ हो सकती है, कोई गड़बड़ नहीं थी, टॉस जीता इंग्लैंड ने, बैटिंग चुनी। उसके बाद कहा बातचीत के दौरान कोहली ने, उसी समय जो बातचीत की कमेंटेटर्स ने उनका, उन्होंने कहा कि हम भी अगर टॉस जीते तो हम बैटिंग करते, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब मैच शुरू हुआ, शुरुआत में ही देखा गया दो बार ऐसा हुआ, एक्सपर्ट धोनी जो पीछे से सब देखते हैं, हमेशा से देखते हैं और समझते भी हैं, वो बड़ी बारीकी से समझते हैं, भारतीय टीम के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं वो, जब वो कहते हैं DRS लेना है तो लेना है, कोहली लेते हैं। दोनों बार उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, DRS की बात जब उठी और दोनों बार देखा गया कि वो आउट था। DRS क्यों नहीं लिया कोहली ने, आप बताएं। कोहली ने अपनी स्वतंत्र मानसिकता से, स्वतंत्र सोच से, स्वतंत्र समझदारी का परिचय देते हुए DRS लेना चाहिए था शायद। देखिए, मुझे लगता है कि DRS वहाँ पर लेना चाहिए था कोहली को, और जैसा कि हमने ओवर द ईयर्स देखा है कि धोनी हमेशा अपने रिव्यू सिस्टम के साथ बहुत ही सटीक रहे हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। जो भी वो अगर एक बार बोल देते हैं DRS, तो मोस्टली 90-95% ऐसा होता है कि वो सही होता है जी, और जब भी वो DRS लेते हैं तो सही होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, भाग्य का साथ होता है, और इससे पिछले मैच में भी आपने, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अगेंस्ट था वो मैच, तो उसमें भी जो डिसीजन था वो इंडिया के अगेंस्ट गया था, क्योंकि MS धोनी ने रिव्यू नहीं लिया था उस टाइम पे, बाद में जब बिग स्क्रीन पे दिखाया गया तो वो आउट था, तो उस टाइम पे भी। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं फील्ड में कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलती, कई बार धोनी हैं लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही लक आपके साथ चलता रहे, कई बार ऐसा भी होता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोई कोई दिन होता है, खास दिन होता है, किसी का लक होता है, कोई किसी के सितारे किसी टीम के गर्दिश में होते हैं और वो दिन उनके लिए काम नहीं करता, हार हो जाती है। जो आपने कहा कि वो जो निर्णय नहीं लिए, DRS का फैसला नहीं किया, वो पहले भी हो चुका था, चलिए हम मान लेते हैं DRS का फैसला कन्फ्यूजन में नहीं ले पाए, ले लेते तो उनके फ़ायदे में होता, भारतीय टीम के, हम भारतीय टीम के सपोर्ट में यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम उस आवाज़ को सामने ला रहे हैं जो हम देश भर में सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। तो उस कुछ तो गड़बड़ है के लिए हम आते हैं दूसरे हिस्से में, यानी कि बैटिंग जो फर्स्ट इनिंग की थी। उस समय जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे और DRS हुआ, DRS वाली बात ख़त्म हो गई, बॉलिंग की बात करते हैं। चाकू चहल और कुलदीप, चाकू चल नहीं सका भारत का, तो चाकू क्या वास्तव में चल नहीं सका या चाकू चलना ही नहीं चाहता था? कई बार ऐसा हो जाता है मैचेस में कि
आपका ऑफ डे भी होता है कई बार ऐसा। और कल हमने एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली थी कि जो पिच थी वो बहुत सपाट थी, पिच एकदम से मतलब पूरा बैट्समैन के लायक थी, बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी। और हमने पीछे भी देखा कुछ मैचेस में कि जब इंग्लैंड अच्छी पिच पे बैटिंग के लिए मिलता है तो इंग्लैंड बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी वीक होती है पिच, थोड़ी सी वियर एंड टेयर होता है, तो तभी इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स हो जाती है। तो कल भी ऐसा ही था कि पिच उनके लिए बहुत अच्छी थी और किस्मत से उनको बैटिंग का टॉस जीते, उन्हें बैटिंग मिली और उसके बाद उन्होंने एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। कुलदीप चहल की जहाँ तक बात है तो रिसेंटली वर्ल्ड कप में, पहले कुलदीप अच्छे फॉर्म में नहीं थे लेकिन अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल थोड़ा सा ऑफ डे रहा लेकिन फिर भी कहूँगा कि चहल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने उस टाइम पे ब्रेक थ्रू भी दिलवाया और शुरू में वो बहुत पिट रहे थे, उसके बाद जाके उन्होंने अपने कमबैक किया और काफ़ी एंड के ओवर्स में काफ़ी अपने आप को संभाला और टीम को एक मतलब ये है कि रेस्ट्रिक्ट करने में काफ़ी योगदान रहा। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये जो स्कोर 400 के भी ऊपर पहुंच सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा 15-20 ओवर के बाद इंग्लैंड इतनी अच्छी स्थिति में था, 30 ओवर के बाद मेरे ख्याल से 202 रन बन गए थे और एक विकेट गिरा था। तो बहुत बड़ी बात है कि आप ये बोलते हैं शुरू के 30 ओवर में जितने रन बनते हैं अगले 20 ओवर में उसका डबल होता है, तो फिर भी बहुत कंट्रोल किया। लेकिन ये कल इंडिया का दिन नहीं था, आप ये मान सकते हैं। आपकी दोनों बातों से सहमत हूँ मैं, पाटा पिच थी, सपाट पिच थी, कमेंटेटर्स भी ऐसा कह रहे थे। और जो भी टीम पहले बैटिंग करती जबरदस्त रन बनाती, और इंग्लैंड ने अपने पहले के मुकाबलों में जब जब बैटिंग की, पहले उन्होंने 300 से ज़्यादा रन बनाए थे इस बार विश्व कप में, तो कल भी ही हुआ। लेकिन उस दौरान कुछ अजीब सा भी देखा जा रहा था, उस समय लोगों ने उसको रियलाइज़ नहीं किया, जब मैच ख़त्म हो गया, जब फैसला आ गया, उसके बाद जब पीछे जाके सोचा उस पर, और यूट्यूब पे जब लोग मैच देखेंगे उसको, तो शायद कुछ ऐसा आभास होता है कि फील्डिंग अप टू डेट नहीं थी। ऐसा कई बार लगा कि शायद चौके को रोकना नहीं चाह रहा था फील्डर, ऐसा कुछ बार लगा। शायद ये लग रहा था शमी को छोड़ दीजिए, शायद ऐसा लग रहा था कि बॉलर्स एग्जैक्टली जो ज़रूरत थी भारतीय टीम को वैसी बॉलिंग शायद नहीं करें। मैं बार बार शायद भी लगा रहा हूँ, लेकिन एक जो शंका है उसको भी मैं चाहूँगा कि आवाज़ दूँ, आपके सामने बात करूँ प्रशांत जी से। प्रशांत जी क्या कहते हैं, भारतीय टीम के सामने, भारतीय टीम के मुकाबले में 300 रन बनाना क्या इतना आसान है? भारतीय टीम के गेंदबाजी, बुमराह, शमी, कुलदीप, चहल, पंड्या भी अच्छी कर लेते हैं, इतने अच्छे बॉलर थे 300 से ऊपर, आप ठीक कह रहे 400 बनने वाले थे, वही स्थिति, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों शुरू में इतनी सपाट बॉलिंग हुई कि सपाट पिच का फायदा उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाया और 400 के करीब रन बनाने का माहौल तैयार हो गया था, बाद में उस पर कंट्रोल किया गया। क्या वो कंट्रोल करना भी एक रणनीति का हिस्सा था? क्या शुरू में वो 450 का माहौल बनाना भी एक रणनीति का हिस्सा था? ऐसा लगा क्यों लोगों को? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए तो पहले भी ऐसे क्रिकेट में इंसिडेंसेस हुए हैं कि ऐसा कुछ हुआ है जो आप बात कहना चाह रहे हैं, तो लेकिन ये है कि मैं पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि अगर आप बुमराह को देखें, कल भी बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बिल्कुल कोई संदेह नहीं इसमें, कोई संदेह ख्याल से 10 ओवर में उन्होंने 40-45 रन दिए थे। जी जी, तो शुरू में करीब 3.5 रन का उनका एवरेज था, शुरू के रन रेट चल रहा था तो काफी था। बट हाँ ये है कि अब हर किसी के माइंड में कुछ चीज़ें आ सकती है, जब क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा ऐसा लगा जब रन चेज कर रहे थे तो भी थोड़ा सा इंटेंट नहीं लगा और थोड़ा सा फील्डिंग भी कल डाउन दिखी इंडियन टीम की, तो कोई भी होगा उसके माइंड में थोड़ा शक आएगा। लेकिन हम लोगों को इंडियन टीम को सपोर्ट करना है, वर्ल्ड कप जीतना है, तो हमें पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। नहीं, पहले तो मैं बता दूं बार बार, हम यहाँ सपोर्ट करें इंडिया की टीम को, हमारी टीम है, हमारे देश की टीम, और इस बार वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगी, टीम इंडिया। हम सिर्फ कल के मैच पर थोड़ा सा हंसी मजाक समझ लीजिए, लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे गहन गंभीर प्रश्न है कि तीसरा हिस्सा जब बैटिंग की इंडिया ने, उस दौरान उसकी अब बात करते हैं, बहुत बड़ा सवाल है प्रशांत जी, जवाब दीजिएगा। इंडिया जब चेस कर रही थी, शुरुआत इंडिया ने बहुत आराम से की, 3 रन कर रन रेट चल रहा था, 10 ओवर से ऊपर 20 ओवर तक 3 रन कर, कोई बात नहीं, ठीक है, आउट हो गए राहुल, होता है वो तो अक्सर ऐसा हो जाता है, दबाव भी था जो भी है, मुझे दबाव ज़्यादा लगा नहीं, 338 रनों का दबाव इतना बड़ा नहीं था कि हमारे रन अच्छे नहीं बनते, राहुल के आउट होने की बात नहीं करो। उसके रन गति शुरू में बिल्कुल धीरे रखी गई, धीरे धीरे, और उसके बाद बढ़ाने, रन गति बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की गई, और जब कोशिश की गई तो बहुत
तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश नहीं की, जब हम सेफ थे करीब 35 ओवर के आसपास पहुंच चुके थे, उससे मैं रन गति तेज़ी से बढ़ाने की जरूरत थी। अब मैं जो यक्ष प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा सवाल, कि जब चेज कर रहे थे धोनी और धोनी के साथ थे आखिरी के दो पुछल्ले बल्लेबाज, यानी कि जो खेल चुके थे, खेल रहे थे केदार जाधव और उनसे पहले वाले भी, उस समय जब रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे थे, दे वर सो कूल, वॉक कर रहे थे, जहाँ ये वो धोनी है जहाँ एक रन पे दो रन लेते हैं आखिरी के स्लॉग ओवर्स में, धोनी भी कूल थे, धोनी ने भी छक्का एक ही पड़ा धोनी के बल्ले से निकला, क्योंकि धोनी को छक्का मारना था, उन्होंने मारा। लेकिन जो कुछ अजीब सा हुआ, लग नहीं रहा था कि चेस कर रहे हैं, लग नहीं रहा था कि जीतने के लिए, बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिख रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे जब इंडियंस ने चेस करना शुरू किया, तो उस टाइम पे सबसे पहली चीज़ तो केएल राहुल बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, उनकी चोट भी, कल उनको फील्डिंग करते टाइम चोट लगी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा पेन था, इंजरी थी, माना जा तो सकता है, बिल्कुल जी। वो स्टार्ट बिल्कुल नहीं कर पाए और इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ क्योंकि 9 बॉल खेली उन्होंने, एक भी रन नहीं बनाया, तो पहले 3-4 ओवर में तो रन बनने का मतलब ही नहीं था। रोहित शर्मा और केएल राहुल बहुत वीक हो गए थे, लेकिन जब विकेट गिरा तो उसके बाद एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी, इंडियन टीम को ये पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है केएल विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर, अगर ये दोनों नहीं चलते हैं तो फिर आपका 320 330 तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब MS धोनी भी उस फॉर्म में नहीं है, जो एक एज की फैक्टर हो जाता है। तो उस टाइम पे ये था कि रोहित शर्मा ने थोड़ा स्टार्ट दिया और केएल राहुल आउट होने के बाद विराट कोहली थोड़ा पारी को संभालने में लग गए, और जैसे पारी को संभालने लगे विराट कोहली, तो उस टाइम पे फिर वो रन रेट बढ़ता गया। और लेकिन ये 25-20 ओवर के अराउंड उन लोगों ने जब पार्टनरशिप को थोड़ा बढ़ा दिया था, तो उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, कुछ रन्स तेज़ी से आए, तो रन रेट मैंने देखा कि 3 से 5.5 तक पहुंच गया था। तो उसके बाद फिर एक बार विराट कोहली आउट हुए तो फिर वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया, फिर पंत आए और पंत तो पहली बार खेल रहे थे तो वो उतना अच्छा निक में नहीं थे, थोड़ा नर्वस भी थे पिच को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए। तो और लास्ट में जब MS धोनी, तो अब वो हम सभी जानते हैं कि अब वो उनका गेम वो नहीं रहा जो एक ज़माने में हुआ करता था, अब एज हो गई है उनकी, वो फिनिशर नहीं है, भले ही वो विकेट कीपिंग अभी उनकी शानदार है, कैप्टेंसी स्किल्स हैं, लेकिन वो बात नहीं है उनके अंदर जो एक टाइम पे वो फिनिश किया करते थे मैच, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये कहेंगे। और लास्ट में जब इंग्लैंड के बॉलर, आप जानते हैं कि इंग्लैंड के क्रिस वोक्स ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जोफ्रा आर्चर जो है वो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर है, तो उनको डेथ ओवर्स में मारना बहुत मुश्किल है। आपने देखा कि वो छक्का मारने की तो बात दूर है, वो सिंगल भी नहीं निकाल पा रहे थे जोफ्रा आर्चर के ओवर में, तो इंटेंट भी कह सकते हैं, थोड़ा सा इंटेंट नहीं दिखी, पर ये है कि इंडियन टीम इसको सुधारने की कोशिश करेगी आगे वाले मैचेस में। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जीतते चले जाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि आपको हारना भी ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, तो वो हार से इंडियन टीम सीखेगी और आगे के मैचेस में खेलेगी। और बड़ा सवाल बाद में, एक छोटा सा सवाल, मतलब आपका कहना ये चाहते हैं आप कि दबाव में थी भारतीय टीम? लगता है कुछ हद तक दबाव में थी, कुछ प्लेयर्स थे दबाव में, ये भी नहीं कह सकते पूरी टीम थी जी। थोड़ा सा केएल राहुल के ऊपर न्यूज़ में चल रहा था कि वो नहीं खेल पा रहे हैं, दूसरा नंबर 4 की प्रॉब्लम चली रही है, विजय शंकर कभी चेंज होते हैं कभी कोई, उसके बाद MS धोनी के ऊपर चल ही रहा है, और बाकी जब आप चेज कर रहे हैं इतना बड़ा टोटल, तो अभी तक हमने देखा इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने इतना बड़ा टोटल चेज नहीं किया है, और मिला भी नहीं उन्हें मौका, तो पहली बार मौका था तो वो प्रेशर में भी आ गए थोड़ा सा। यही मेरा सवाल था जो आपने खुद कह दिया कि इंडियन टीम चेज नहीं कर पा रही थी, मेरा जवाब यह है जो कि आपके लिए सवाल है कि इंडियन टीम चेज कर पा रही थी, इंडियन टीम बहुत क्लोज पहुंची थी कि 30 के रनों के अंतर से हम लोग हारे, अगर वो बीच के ओवर्स में 25 से 50 के ओवर्स में रन गति तेज़ की जाती तो मेरे ख्याल से 47 ओवर्स में आप 338 कर टोटल चेज कर लेते, लेकिन वो विलिंगनेस नहीं दिखी, वो चाहत नज़र नहीं आई, उस चाहत नज़र नहीं आने के पीछे जो भी कारण हो, मैं आपसे पूछूंगा कहीं ऐसा तो नहीं कि अतिथि देवो भव, ठीक है होता है, लेकिन कई बार जब हम अतिथि होते हैं और किसी के घर जाते हैं तो हम उसको भी देवता समझ लेते हैं, भारत ने सोचा होस्ट कर रहा है इंग्लैंड, इस जीत से रह जाएगा टूर्नामेंट पे वरना बाहर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान को जिताने के लिए टीम इंडिया हार गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंग्लैंड को जिताने के लिए, ताकि हमारी उनके प्रति एक 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 कहनी चाहिए श्रद्धापूर्ण प्रेमपूर्ण, उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है अतिथि के तौर पर,
उसकी उसके व्यवहार की एक झलक थी, उनको हमने एक तोहफा दिया था, एक उपहार दिया था जीत के रूप में। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो अभी आपके कहने से चेंज नहीं होगा जी, आप कितना भी कोशिश कर ले मुझे इस बात पे पहुंचाने की, लेकिन जी, जी, मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा। मुझे लगता है कि बैड डे था, एक दिन हो जाता है, खराब होता है, क्रिकेट में चलता रहता है, तो हमें इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो क्रिकेट में एक दिन आप हारते हैं, एक दिन जीतते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम इतनी वीक है, क्योंकि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो लोग कह रहे थे कि इंग्लैंड टीम को फेवरेट बता रहे थे, इंडियन टीम का भी उतनी चर्चा नहीं हो रही थी, इंग्लैंड को सब लोग बोल रहे थे कि इंग्लैंड टीम ही वर्ल्ड कप जीतेगी। तो अतिथि देवो भव वाली बात मुझे तो नहीं लगती यहाँ पे। अच्छा अच्छा, वो नहीं, मैंने इसलिए कहा कि कुछ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना, उनके लिए उन्होंने हमको बुलाया है, उनके मैदानों में हम लोग खेल रहे हैं, तो हमने भी उन्हें थोड़ा सा उपहार दिया जो हम दे सकते हैं। फ़र्क हमें कुछ पड़ना नहीं है, वर्ल्ड कप हमें ही जीतना है। आगे के मैचों में शायद अगला हमारा मैच जो अब होगा चौथी नंबर की टीम से इंग्लैंड से ही होगा, पहले की तीसरे से होगा, भिड़ेगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से। लेकिन मैं एक बात कह दूँ इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम ख़त्म करें, धोनी के बारे में आप कहते धोनी वो नहीं रहे, मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल उल्टा, धोनी आज भी वही हैं। अभी रिसेंट आईपीएल आप देख लीजिए, जबरदस्त फॉर्म में है धोनी। धोनी आज कल मैच में लगे ही नहीं कि वो चाहते थे कि चेस करना। मज़े की बात कह दे अर्ज जाधव, उनको भी पता नहीं क्या मंत्र फूंका गया या हवा से उनको कुछ सुनाई पड़ा, उन्होंने भी रन गति धीमी रखी और दौड़ते समय भी चलना शुरू कर दिया। जब आपको एक एक बॉल पर दो दो नहीं, चार चार नहीं, साढ़े चार रन लेने हैं और उस समय भी आप उस पर वॉक कर रहे हैं, आप रन लेते समय बीच में चलने लगे, वो एक अजीब सी बात है। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इंडिया के किसी मैदान में होने वाला कोई लोकल मैच नहीं है, तो इसका अर्थ बहुत संदेह पैदा करता है। खैर चलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हाँ, जाने से पहले आप लोगों के सामने ये कहना चाहूँगा और आपसे इस बारे में मैं सलाह मांगूँगा कि धोनी इतने ज़बरदस्त फॉर्म में है, भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार, सबसे अच्छे फिनिशर और सबसे अच्छे विकेट कीपर, कि अगले वर्ल्ड कप में भी धोनी रहेंगे भारतीय टीम का हिस्सा और शायद उस समय भी हम फाइनल तक पहुंचे, हो सकता है जीत भी जाए। धोनी का मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप और आईपीएल के प्रेशर जो होता है बहुत फ़र्क होता है। आईपीएल में खेलना, आईपीएल में वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं हम जानते हैं, और सब लोग उनको इतना पसंद करते हैं, इंडिया में सब लोग ही पसंद करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं। पर यह है कि वर्ल्ड कप खेलने में, टीम इंडिया के लिए खेलने में और आईपीएल टीम के लिए खेलने में दबाव अलग अलग है, जमीन आसमान का, मैं मानता हूं। तो इसलिए जो वहां पे उनकी पारियां चल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था, वो अभी जब इंडियन टीम में आते हैं तो उनकी कंपैरिजन किससे होती है, सीधा विराट कोहली। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शायद ही किसी मैच में फ्लॉप होते हैं, कभी हमने उन्हें बहुत ही कम देखा। कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है विराट कोहली। विराट कोहली, उनके साथ कोई लॉ ऑफ एवरेज है ही नहीं, वो हमेशा कंसिस्टेंट खेलते रहते हैं। तो वर्ल्ड कप और आईपीएल का बहुत फर्क होता है। और दूसरी चीज, एमएस धोनी की विकेट कीपिंग, कैप्टेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन बैटिंग में फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है जो अपने प्राइम में एमएस धोनी का हुआ करता था। बहुत अफसोस हुआ हमें पाकिस्तान के अफसोस का, कि अफसोस नाक रहा कल का रिजल्ट, कल का फैसला और बाहर हो गई पाकिस्तान। बड़ा दुख लगा, उन्हें लगा कि भारत ने साजिश की है, लेकिन ये साजिश तो किस्मत की है, सितारों की है। आप लोगों से फिर मिलेंगे हम लोग पावर क्रिकेट में अगली बार अपने क्रिकेट एक्सपर्ट प्रशांत भारद्वाज जी के साथ। कीप वॉचिंग पावर कॉरिडोर्स एंड पावर क्रिकेट। थैंक्स वेरी मच, बाय।